नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। आज कार्तिक वादी अमावस्या के दिन सरोदय की प्रथम बेला में भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था। आज ही के दिन श्री गौतम गणधर स्वामी को भी निर्वाण प्राप्त हुआ था। इसी उपलक्ष्य में करोड़ों सिद्ध परमेश्वर के मोक्ष स्थली श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र बावन गजा जी में पूरे भारत के कई शहरों से पधारे धर्मलंबी द्वारा परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के तपोनिष्ठ संत दुर्लभ सागर जी महाराज एवं ज्ञान निधि संधान सागर जी महाराज के सानिध्य में निर्वाण महोत्सव मनाया गया। निर्वाण महोत्सव के अवसर पर सिद्ध भूमि पर निर्वाण लड्डू चढ़ाए गया एवं भगवान महावीर स्वामी की पूजा अर्चना एवं आरती की गई। चतुर्मास के निष्पापन के कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें पूरे चार महापक्षात मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज द्वारा मौन साधना पूर्ण हुई एवं उनके सारगभित प्रवचन हुए। सभी उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बावन गजा तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं अंजड़ जैन समाज के अध्यक्ष शेखर चंद जी पाटनी के गुरुदेव को अंजड़ आने के लिए श्रीफल अर्पित किया एवं 16, 17 एवं 18 नवंबर को अंजड़ पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर के शिखर का शिलान्यास एवं चैत्याली की प्रतिमा जी को मंदिर में स्थापित करने के लिए गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो, इसके लिए आगाह किया गया। इस अवसर पर दिगंबर जैन समाज अंजड़ ने हाथ जोड़कर गुरुदेव से अंजड़ आने के लिए प्रार्थना की, जिससे अंजड़ की जनता उनके आशीर्वाद प्राप्त कर पूर्ण लाभ ले सके। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। हम बात करते हैं बावन गजा ट्रस्ट के पंडित मौसम जी से। सर, आज क्या क्या कार्यक्रमों का अनुष्ठान होगा बावन गजा सिद्ध क्षेत्र में? सिद्ध क्षेत्र बावन गजा जी में आज सुप्रभात वेला में भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महामहोत्सव जैन धर्मावलंबियों ने एक साथ देश के विभिन्न स्थानों से आकर के इस बड़े बाबा के प्रांगण में, बड़े बाबा की छत्र छाया में भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महामहोत्सव मनाया। या यूँ कहें, जैनियों के नया वर्ष का आज से प्रारंभ, कार्तिक कृष्ण अमावस से नया वर्ष प्रारंभ होता है। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याणक के बाद अपना पूरा नया जीवन कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है। इसी धर्म आयोजन में देश के विभिन्न स्थानों से पधारे हुए सभी महानुभावों ने अपनी बढ़ चढ़ करके धार्मिक गतिक्रियाओं में, गतिविधि में अपने परिवार को जोड़ा और सहभागिता देकर ढेर सारा पुण्यार्जन लिया। सुबह भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण लाड़ू भी चढ़ाया गया। भगवान बड़े बाबा आदिनाथ स्वामी, जिनके नाम से क्षेत्र बावन गजा जी जाना जाता है, उनका बड़े बड़े कलशों से 108 धारा से अभिषेक हुआ, शांति धारा हुई, पूजन पाठ किया गया और नीचे भी तलहटी के 14 चिनालयों में 18वें नंबर में जो मूल नायक महावीर स्वामी का समोषण है, उनका महावस्त्र का अभिषेक का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ऐसी खबरों बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।